और वो जो एक मकसद होता है टेलीविजन के ऊपर ड्रामा दिखाने का, वो मकसद पूरा होता हुआ नजर आ रहा था। जब भी हम आज ये बात कर रहे हैं कि हमने जनरेशन में एक में पूरे वो चीज़ें सीखी उनसे, और मैं तो बिला तामुल ये कहना चाहती हूँ कि मैं मेरी इंस्पिरेशन रही है उनके कैरेक्टर से, उनकी स्टोरी लाइन से, मुझे ये कहने में कोई झिझक नहीं है। और जो चीज़ मुझे बहुत हमेशा से अच्छी लगी है, जिस पर मैं उसे पसंद करने से ज्यादा उस पर हैरान होती हूँ कि ये जिस दिहाई का हम जिक्र कर रहे हैं उसमें ये करना कुछ इतना आसान भी नहीं था, जैसे हालात थे। लेकिन एक बहुत प्रोग्रेसिव स्टोरी लाइन, एक से बढ़कर एक, बहुत ही आगे की सोच। फिर जैसे मीरा ने भी जिक्र किया, इतने ग्रे शेड्स हर कैरेक्टर के, स्पेशली जो उनकी प्रोटेक्टिस्ट खवातीन थी उनके इतने ग्रे शेड्स हमें नजर आते थे, और सारे स्टीरियोटाइप्स को तोड़ा। और जो मुझे बहुत एक और इंटरेस्टिंग चीज़ लगी जो कि खासा रहा हसीना आपा के किरदारों का, खवातीन किरदारों का, वो ये था कि वो सब कुछ ना कुछ काम करती थी। दे हैड समथिंग टू डू इन देयर लाइफ, यू नो, कोई काम करना है तो वो घर से बाहर भी निकलती थी। कहानी वहां से शुरू होती है जब आप स्टेप आउट करते हैं। आप घर के चार दीवारी में जो कैद करके रखना चाहते हैं औरत को, जो उसके बाद एक सिलसिला शुरू हुआ और एक तवातुर से होता रहा कि ये एक सिस्टमैटिक चेंज फिर हमें उसके बाद नजर आया, जो कि बहुत हद तक अब भी है। धीरे धीरे आई होप के ये शिफ्ट हो जाए, कहीं कहीं नजर भी आ रहा है चेंज होता हुआ। लेकिन वो जो बाहर की कहानी थी कि जैसे अनकही में कहानी की शुरुआत में जाना है उनको कहीं काम पे अपने इंटरव्यू करने के लिए, उनकी जिंदगी के कुछ गोल्स हैं, कुछ एम्बिशंस हैं, वो कुछ और भी सोचती हैं। और वो बिल्कुल सही मीरा ने जैसे जिक्र किया कि वो कोई खतरनाक बुरी औरत नहीं है अगर वो घर से बाहर निकल के कुछ काम करना चाहती है। और वो बड़ी एक नॉर्मल है इन अ वे कि वो दिखती भी बहुत आम सी औरत है, वो कोई दिखती भी कोई बहुत मॉडर्न नहीं है कि वो आपसे रिलेट ही ना कर पाए। तो वो जो एक बहुत अर्बन मिडिल क्लास स्टोरीज थी, जो उस जमाने की मिडिल क्लास की कहानियां थी, वो मिडिल क्लास भी कहीं खो गई ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। वो हमें कहानियां दिखती हैं, से कम से कम मेरा ख्याल है हम में से कोई भी रिलेट नहीं कर सकता, ना ही मैंने कभी इतनी चीखती चंगाड़ती औरतें देखी हैं, ना ही इतनी रोती बैन करती औरतें देखी हैं अपने इर्द गिर्द। मुझे तो ठीक ठाक औरतें दिखती हैं जो काम भी करती हैं, और अगर घर में भी रहती हैं तो वो धीमा भी बोल लेती हैं। तो वो जो एक रिलेटेबिलिटी का एक प्रॉब्लम हुआ है, वो भी मुझे लगता है इसी वजह से हम शायद एसोसिएट नहीं कर पाते। और फिर ये कि जैसे औरत रोती भी है और हंसती भी है, जैसे आई थिंक मीरा ने बहुत बेहतरीन ये बात सारी कर दी कि वो हर तरह की है, वो बहुत ज़हीन है एक इंसान होने के नाते, और उसको ज़हीन होने की इजाज़त दी हसीना आपा ने। हमारे यहाँ ये इजाज़त नहीं दी जाती कि जो किरदार आप औरत का लिख रहे हैं वो ज़हीन हो और वो सवाल करती हो, यानी कि वो सोचती हो। तो वो जो थिंकर्स थी उनकी हीरोइंस, जो सोचती थी और जो मसाइल पैदा भी करती थी, उनके हल भी ढूंढ के लाती थी। और एक बहुत अफरा तफरी सा कुछ एक मूवमेंट थी जो मुसलसल जारी थी उनके सारे कैरेक्टर्स के अंदर। वो स्टेगनेंट नहीं, अटके हुए फंसे हुए कैरेक्टर्स नहीं थे, वो खुद ब खुद अपनी रॉ में बहते हुए हमें नजर आते थे। बहरहाल हम उनके प्लेस देखकर बड़े भी हुए, और एक मैंने सीखा कि रोमांस ऑन स्क्रीन क्या चीज़ होती है, कैसे रोमांस लिखा जाता है स्क्रीन के लिए, और खास तौर पर पाकिस्तान टेलीविजन के लिए, क्योंकि हमें ये चीज़ भी, ये बहुत बारीकी है जो हमारे यहाँ नहीं है। हम इतना एस्थेटिक्स हमारे इतने डेवलप्ड नहीं है रोमांटिकली कि हम अपने टेलीविजन के लिए इतना खूबसूरत रोमांस लिख लें कि वो जिससे आप घबराएं भी नहीं, जो हमारे यहाँ लोग थोड़े से अनकम्फर्टेबल हो जाते हैं, और वो कन्वे भी हो जाए वो मोहब्बत। उसके बाद तो कुछ मतलब मोहब्बत नफरत दोनों चीज़ें बहुत गड़बड़ हो गई। लेकिन ये चीज़ मैंने उनसे सीखी बहैसियत एक राइटर के, स्क्रीन के लिए अगर रोमांस लिखना है तो कैसे लिखना है, और अगर एक औरत जो कि ज़हीन है, सवाल कर सकती है, तो उसका किरदार कैसा है।